हुए गाइस, जैसे कि आपको स्क्रीन में तीन इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आज इन तीनों इफेक्ट्स के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और गाइस देख सकते हो, तीनों इफेक्ट्स यूज़ करने के बाद अपने वीडियो में एक अलग ही लुक देखने को मिलता है और गाइस फील भी होता है वीडियो। और गाइस आपको पता ही, अगर वीडियो फील होगा तो वायरल होने के चांसेज है जो बढ़ जाते हैं वीडियो के। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट कर बढ़ता हूं मैं वीडियो की तरफ। अगर आपने चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास में बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक वीडियो क्लिप है जो VN एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। तो गाइस सबसे पहले आपको एक चैट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी अपने हिसाब से कोई सी भी। ठीक है, वो करने के बाद गाइज आपको जो स्टॉक का ही आइकन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करके वो चैट जो ला लेनी है। तो मैं जल्दी से गाइज वो ला लेता हूँ। सो गाइज मैंने चैट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ला ली है। लाने के बाद गाइज आपको नीचे एक मार्क्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर गाइज यहाँ पे आप इसको बहुत सारे शेप मिल जाएंगे, जैसे कि रेक्टेंगल, स्टार, हर्ट वाला। तो गाइज अभी जस्ट मैं आपको हर्ट वाला बताऊंगा, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर गाइज यहाँ से आपको नॉर्मली थोड़ा सा हल्का स्वाइप भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो लाइन आएगी वो नहीं दिखेगी, नॉर्मल सा ही करना, ज़्यादा भी नहीं करना। ठीक है, फिर गाइज इसको करने के बाद आपको अपने वीडियो के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर आपको चापर भी रखना कुछ इस तरीके से रख सकते हो, आप वीडियो में चापर भी रखना आपके। ठीक है, तो गाइज ये कुछ इस तरीके से आपको रख देना है। फिर गाइज इसकी अगर आपकी चैट की स्पीड को बढ़ाना है तो गाइज यहाँ पे आपको स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ से आप इसकी स्पीड को है जो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको किया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गाइज देखने को मिलेगा आपका वीडियो। ठीक है, तो ये तो हो गया हर चैट इफेक्ट हो गया गाइज। अब बढ़ते नेक्स्ट इफेक्ट की और, जो होता है जो अभी एक आपको साइड में स्क्रीन में वीडियो देखने को मिलेगा। तो गाइज इसमें देख सकते हो आप चैट है जो कभी लेफ्ट से कभी राइट से आ रही है, तो वो कैसे आ रही है उस इफेक्ट के बारे में अब बात करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको कोई से भी चैट कर लेनी है, उसका स्क्रीन शॉट लेना चैट कर। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो मैं अभी स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ। सो गाइस मैंने एक चैट का स्क्रीनशॉट ले लिया। आप अपने हिसाब से कोई सा भी एक चैट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेने के बाद गाइस आपको इसके डुप्लीकेट लेयर बनानी है, लेनी है कुछ इतने आपको मैसेज लाने हैं। तो जस्ट मैं अभी आपको दो बता देता हूँ। तो गाइस अभी मैं दो मैसेज जस्ट को भी क्रॉप कर देता हूँ। एक तो ये मेरे वाला जो रुक के वाला है इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से गाइस। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो इतना इस मैसेज को गाइस क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद आपको झापर भी रखना है एक तरीके से, एक बार इसको साइड में रख देना है। फिर गाइज नेक्स्ट मैसेज आपको जो क्रॉप करना है उस पर वापस क्लिक करना है। लाइक अभी कोई सा भी एक मैसेज लेता हूँ, हाँ बोल वाला ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये करने के बाद ये दोनों मैसेज कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो आप अपने वीडियो के हिसाब से इसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जस्ट मैं गाइज अभी इसको यहाँ पर रखा और इसको भी मैंने रखा है यहाँ पर। ठीक है गाइज, फिर आपको ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको लाइटन या स्किन जो भी है जो सिलेक्ट कर लेना कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस पर भी आपको ब्लेंडिंग में सिलेक्ट करना है लाइटन या स्किन कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर गाइज जस्ट अभी जैसे कि मेरे को ये मैसेज यहाँ पर रखा और इसको मैंने यहाँ पर रखा। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले इसको मैं लेफ्ट से लाऊंगा और एक को राइट से लाऊंगा। आपको जैसे भी लाना आप अपने हिसाब से ला सकते हो कुछ जैसे मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले मैं इसको लाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एक बार स्क्रीन से रिमूव कर देना है, इसको कुछ कहीं से भी रख देना, आपको जैसे लाना इस हिसाब से। ठीक है, तो जस्ट मैंने इसको लेफ्ट में किया है। ठीक है, फिर गाइज आप यहाँ पे की फ्रेम पे आपको क्लिक कर देना है। तो जस्ट मैंने क्लिक किया। फिर गाइज आपको जस्ट अभी जैसे यहाँ बीट पर जाता है और यहाँ पे चैट लाटी है, तो गाइज इसको आपको पकड़ कर, ठीक है, जैसे भी आपको चापर पे लाटी उस हिसाब से आपको ला लेने, तो कुछ इस तरीके से आएगी, देख सकते हो ये। ठीक है, अगर आप अगर आपको ये स्लो लाना तो यहाँ पे की फ्रेम को आगे बढ़ा सकते हो, तो कुछ इस तरीके से स्लो में आएगी। ठीक है, अगर फास्ट लानी तो इसको और पास में ला सकते हो, तो कुछ इस तरीके से फास्ट में भी आएगी, कुछ इस तरीके से फास्ट में आएगी, देख सकते हो आप। ठीक है, फिर गाइज सेम इसमें भी ऐसा ही करना है, इसको स्क्रीन से रिमूव करके इसको की फ्रेम में ऐड कर देना है। ठीक है, फिर आपको चापर पर रखना है, उस हिसाब से रख सकते हो इसको, फिर यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कुछ इस तरीके से होगा गाइज, देख सकते हो आप। ठीक है, तो आपको चापर पर रखना होगा, आप उस हिसाब से आपको चैट को रख सकते हैं। ठीक है, जब थर्ड इफेक्ट है जो हमारा पेपर वाला था, वो इफेक्ट है वो भी गाइज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहाँ से आपको ये वाला जो इफेक्ट है पेपर वाला वो आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइज आपको स्टॉक के आइकन पर क्लिक करके वो वीडियो जो सेलेक्ट करके ला लेना है। तो गाइज मैं जल्दी से ला लेता हूँ उस वीडियो को। जस्ट गाइज अभी मैं इन दोनों को डिलीट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, सुबह स्टॉक आइकन पे क्लिक करूंगा और वो मैं वीडियो इफेक्ट चलाऊंगा जल्दी से। सो गाइज मैंने जो वीडियो इफेक्ट ला लिया, तो लाने के बाद गाइज ये कुछ इस तरीके से पूरा वीडियो। ठीक है, तो गाइज जैसे कि अभी मैं इसको यहाँ से रखूंगा, तो यहाँ से इसको स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो ग्रीन बैकग्राउंड आ रहा है इसको गाइज मैं रिमूव कैसे करता हूँ देखना। आपको मैं क्लिक करूंगा और इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद गाइज इसकी जो इंटेंसिटी को फुल और 100 कर लूंगा और स्पीड को जो माइनस कर लूंगा, तो कुछ इस तरीके से होगा, देख सकते हो आप। ठीक है, देख सकते हो गाइज बहुत ही ओपी दिखने को मिल रहा है ये वाला इफेक्ट। ठीक है, तो गाइज ये वीडियो में एक अलग ही फील आ रहा है। आई होप गाइज मेरे तीनों इफेक्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स में जरूर बताना है। और गाइज मैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ लौटूंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।